और गोबरा नवापारा तहसील में किस प्रकार लोगों को यहाँ असुविधा हो रही है, जो कि मूलभूत सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। यूँ तो भूपेश बघेल सरकार द्वारा बहुत बड़े 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 घोषणाएं की जा रही हैं और जिस प्रकार से सरकार को चलाने की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है कि जो सरकार में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर 0/0 यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हम लोग इस वक्त जो है तहसील कार्यालय के बाहर मौजूद है। असुविधाओं पर उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर, जिस प्रकार से गांव-गांव में विभिन्न मूलभूत सुविधाएं होनी होती है उसी प्रकार यहां भी होनी चाहिए, लेकिन यहां पे किसी प्रकार का कोई सुविधा जो है यहां पे उपलब्ध नहीं है। तो आइए जानते हैं यहां पे आए हुए लोगों का इस मामले को लेकर क्या कहना है। भाई कौन गाँव वाला हास और थोड़ा का काका तकलीफ होती है यहाँ से बता। बहुत तकलीफ है बेटा, परेशानी है मन आन के। कौन गाँव वाला पारा गाँव से। कितना समय का? 10 बजे की। काका तकलीफ है? का तकलीफ है, दे चिखला में खड़े हैं, कुछ के व्यवस्था नहीं है, पानी प्यास मराथन कुछ ये नहीं हमारे मन की। अच्छा सरकार अपन बात नहीं करे होगा कभी यहाँ तहसीलदार या कोई अधिकारी से? बात कर डरे हैं कई बार ले आ गए हैं, हमारे वो जगह के मामला में हमारे सुनाई ची नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, ये ती होती बताते हैं, थाना बताते हैं तहसीलदार है और थाना वाला तहसीलदार खड़े पानी ही मेरे खड़े हैं। कौन गाँव? पारा गांव से। अच्छा का सुविधा होती है यहाँ तुला? पानी के सुविधा नहीं है, कार्यालय में खड़े हैं। हाँ। पानी गिरत में। कौन सा कार्यालय है? तहसीली। हाँ। तहसीली ऑफिस में आए हैं। हाँ। अब इतना दाई और बहन सब बैठा हुआ है। हाँ। पानी के लिए तड़प रहा है, कुछ चाय मिल नहीं रहा, पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ को सुविधा नहीं है यहाँ पे। हाँ। बहुत तकलीफ है, बहुत जबरदस्त तकलीफ है, अभी कहीं जगह नहीं है। जगह पानी गिरे तहसीली ऑफिस में खड़े हूँ। का नाम है? गोवर्धन, गोवर्धन मंडले। ठीक, ये बताओ आप लोग तहसील कार्यालय में आए हो, क्या क्या है आप लोगों को समस्या हो रही है बताओ? समस्या है हाँ, मतलब बाथरूम करे के जगह नहीं है करा। हाँ। और रहे बात पानी गिरा थे तो एक छैया भी नहीं है रुके के। हाँ। और दूसरा बात आप दिन भर खाए पिए नहीं 10-11 बजे का हम तो। हाँ। तुम्हारे गाँव सेठ लगे हैं? क्या है तहसील कार्यालय में आप लोग, क्या क्या असुविधा हो रही है? हम सुबह 11 बजे से तहसील कार्यालय पहुँचे हल, बार बार पानी भी गिरे है, लेकिन यहाँ कोई कर रोके के व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ बाथरूम के व्यवस्था है, ना पिए पानी के व्यवस्था है। भूपेश सरकार अपन कार्यकाल में हमार नवापारा नगर ला तहसील के तो घोषणा कर दी, लेकिन कोई चीज़ के व्यवस्था नहीं कर पाते, तो वो छोटे से तहसील ला व्यवस्था नहीं बना पाते तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के का कर सकी और का करे है। बहुत जल्दी अब समय आ गए है, भूपेश सरकार के दिन खत्म हो गए, अब जनता जाग चुके हैं, अब नवा देखी और जे सरकार है बनी वो सब व्यवस्था कर ही। ए मन केवल और केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते कहीं नहीं। आज तहसील ऑफिस के का बात है, स्कूल में जाओ ना, स्कूल में जर्जर हो गए, स्कूल के पूरा सीमेंट गिट्टी गिरा थे, लोग लेकर बैठे। तहसील कार्यालय में का समस्या हो है? मतलब का समस्या हो है अभी? समस्या तहसील कार्यालय में तो हम खड़ा होकर भी जगह नहीं है। पानी गिरती तो कहाँ रहे हो? पानी गिरत रही से तब सब नोटरी मन के किनारे किनारे में हमन जा जाकर लौटे रहे। कितना जन आ रहे हो? कितना जन रीस हुई अपन गाँव से? कितना जन आए रीस हुई? 400-500 महिला पुरुष करके आहन पारा गांव ग्राम पंचायत से। ठीक है, का नाम है? रुक्मणी साहू। हाँ बोला। 10 बजे कहा बन, पानी की व्यवस्था नहीं है, नैकी की व्यवस्था नहीं है, न खाना की व्यवस्था नहीं है। मम्मी पापा से। अच्छा कितने देर के आज बाबू? 10 बजे की। 10 बजे का आज? अच्छा पानी वानी की व्यवस्था नहीं है तहसील कार्यालय में? कहाँ पानी लगता? पानी गिरा दी था, कहाँ रहते हैं? यही जगह खड़े रहे बारिश में। कहाँ नाम है? कौन गाँव वाला? पारा गाँव। भाई बता का समस्या होते तहसील कार्यालय में तुला आके ये बता। मोला यहाँ ना
पानी के साधन नहीं है, न बाथरूम के साधन नहीं है, न लेटरिन के साधन नहीं है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे धर के आए है, आई पानी गिर रहा है तो उसका टीना का साधन भी नहीं है। हम कहाँ पर रुके हैं, यहाँ पानी गिर रहा है वहाँ खड़े हैं। हाँ ठहरने के लिए जगह भी नहीं है, था अभी पानी गिर रहा था, हम पानी में गीला है। हाँ तो आप लोग कहाँ पे ठहरे थे? यहाँ पर खड़े रहे। हाँ तो आप लोग की सुनवाई वगैरह कितने समय से नहीं हो रही? नहीं हो रहा है, यहाँ थाना चल दिया, थाना ले कहे मा गया दसेली में, वहाँ नहीं सुना, यहाँ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। यहाँ पानी में हम खड़े रहे, लड़का लोग धर के हम भूखे हैं। हम पारा गाँव से आए हैं, छोटे छोटे बच्चे धर के आए हैं, हमारे बच्चे मन भूख मर रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। पानी की व्यवस्था भी नहीं है? जी बताएं, आप लोग तहसील ऑफिस में आए 10 बजे से आए हैं, क्या क्या यहाँ परेशानी हो रही है बताएं? यहाँ बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पकड़ कर आए उनका व्यवस्था नहीं है। सुबह से 10 बजे से आए हैं, इतने टाइम हो गए हैं, खाना वाना का कुछ व्यवस्था नहीं है। बच्चे लांघन है, देख रहे हो सर आप लोग, हम लोग भी लांघन है, खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं, यही सब दिक्कत है। पानी गिर जाता है तो कोई यहाँ भी साधन नहीं है, ऐसी है हम लोग। पानी गिरा थोड़ी देर पहले तो आप लोग कहाँ थे? यही थे, पानी में भीग रहे थे। हाँ भाई, का असुविधा होते या? यहाँ पानी के सुविधा नहीं है, पानी गिरा थे ओकरो सुविधा नहीं है। हम पानी गिरत में यहाँ खड़े हैं, हमारे मन के कुछ भी नहीं है। हम लांघन यहाँ भूखन यहाँ हावन, हमारे लोग लड़का मन भी पड़े हैं, हमारे दाई बहनी मेरे कुछ भी के सुनवाई नहीं है। यहाँ भेजा थे वहाँ भेजा थे, वहाँ चौकी भी जाता था, सुनवाई नहीं है ना। हम यहाँ अभी तहसील ऑफिस में है, वहाँ नहीं है पानी, हम पानी है पानी में खड़े हैं, पानी में खड़े हैं। हाँ पानी भीगत में खड़े हैं। ले दीदी बताओ, क्या समस्या होती है यहाँ? शौचालय भी नहीं है सर, न यहाँ बाथरूम नहीं है, न पीने के लिए पानी का नल भी सुविधा नहीं है, या न यहाँ पर कोई ठहरने का जगह भी नहीं है। पानी गिरेगा तो छोटे छोटे बच्चे धर कर आए हैं। कहाँ से, कौन गांव से आए? पारा गांव से। तो आप देख सकते हैं ये समस्या है, तहसील कार्यालय गोबरा नवा पारा की।